बिग बॉस 16 शुरू हो चुका ते दी रोज दी रोज अपडेट लेके भी मैं ताडे नाल सामने आ ही जानी है की हो रहा बिग बॉस दे अंदर। ते मैं तानू दसवां मानिया सिंह जेडे की मिस इंडिया 2020 दे मिस इंडिया रह चुके मानिया सिंह पब्लिक होना तो हो रही है नाराज क्योंकि उना दी रोज ही रोज जेडी स्टेटमेंटा हो रही है चेंज। लेकिन अगर गल्लां नूं गोल गोल घुमाया जावे ते उन्हूं होर ही तरीके नाल तोड़ मरोड़ के सामने लियाया जावे कि चंगी गल है लोकां नूं पसंद आऊगी नहीं आऊगी क्योंकि पब्लिक ना हुण बड़ी शार्प हो चुकी है उन्हां नूं सब समझ आ रहा कि केड़ा लाइन कदों बोली सी ते केड़ी लाइन कदों बोली सी उन्हां नूं सब दिख रहा पब्लिक फूल नहीं है ते ना ही बनाना चाहिए। लेकिन मैनू लगदा मान्या सिंह नू ए लग रहा कि पब्लिक फूल है मैं कुछ भी कहां होना नू लगना कि मैं सही ही सही है जी। वो जड़ा गरीबी दा कार्ड खेल रहे है मतलब वो कर रहा है इमोशनल ब्लैकमेल पब्लिक नू लेकिन पब्लिक बड़ी सियाणी हो चुकी है समझ रही है कि मान्या सिंह किस वे दे नाल जा रही है। जे तुसी बिग बॉस 16 ते देख ही रहे हो लेकिन मान्या सिंह ने जदों की बिग बॉस दे विच एंट्री कीती सी उन्होंने दस्या सी क्योंकि वो इन्ने गरीब घर दे विच हैगे ने कि मतलब कि उन्होंने जिहड़े पापा वा उन्हों का शो भी नहीं देख सकते क्योंकि उन्होंने घर टीवी नहीं है तो वह किसी पिंड दे विच रहिंदे है। उन्होंने ये गल कीती सी लेकिन बिग बॉस दे विच जदों आए सीगे उन्होंने एक होर गल कीती कि मेरे जिहड़े पापा हैगे वो मुंबई दे विच आटो चलांदे है। जी हाँ उन्होंने कहा पूरे मुंबई दे विच ऑटो चलांदे फिरदे है। जे उन्होंने बाबा मुंबई दे विच ऑटो चलांदे है तो फिर पिंड दे विच किद्दां बैठे है मतलब करदे पए ना गोल मोल काल माल गल्लां। खैर उन्होंने दीआं गल्लां सुन के फैंस नूं चढ़िया गुस्सा तो उन्होंने सोशल मीडिया से कमेंट करने शुरू कर दिते। उन्होंने ये कहा कि मान्या सिंह की कोई भी लाइन जिहड़ी कि उन्होंने अपने मूँह बोली है वह मिलदियां जुलदियां नहीं अपनी ही स्टेटमेंट तो खड़े नहीं रहिंदे हर वारी उन्हां दी स्टेटमेंट अलग अलग हुंदी है तो वह इदा क्यों कर रहे हैं। फिलहाल फैंस ये कह रहे हैं पब्लिक ये कह रही है कि गरीबी का जड़ा कि वह प्लेट कार्ड खेल रहे हैं उन्होंने ये लग रहा है कि मैं पब्लिक नू इमोशनली फूल करांगी तो ये शो जित जावांगी। खैर इदा हो नहीं सकता क्योंकि बिग बॉस भी बहुत चलाक है वह हर किसी का राज सामने रख देंगे। खैर जो हूँ बिग बॉस 16 चल रहे उस बिग बॉस कुछ ज़्यादा ही चलाकी वरत रहे कि कुछ भी वो छुपा नहीं रहे वो सब कुछ सामने लिया रहे अंदर दल्ला भी जड़ियाँ है वो सामने आ रही वा अगर कोई छुपन की कोशिश भी कर रहा तो बिग बॉस एक दिन के अंदर ही वो जी कोशिश है उन्होंने खराब कर दिती जाती है। खैर बिग बॉस के अंदर होर की होएगा किदा किदा दियाँ गल्लां निकल के सामने आएगी कि मूँह के जोड़े पड़दे है वो खत्म हो किए जाएंगे तो असली चेहरा बहर आएगा ये सानू आने वाले टाइम पर पता लग जाएगा तो मैं तुहाडा वो सारा कुछ शेयर करती रहांगी। तद तक तुम जुड़े रहो टीवी NRI एंटरटेनमेंट के नाम नहीं देना सत श्री अकाल गुड बाय।